सही का टूटा दिल, सही ने पहुंचाई खुद को तकलीफ। हेलो दोस्तों, आपने लॉग इन किया है फिल्म बीट। बात करें सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, तो भाई आपको बता दें आने वाले एपिसोड जो है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने वाले हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह सही जो है वो टूटती हुई दिखाई देगी, इसी के साथ वो खुद को तकलीफ भी पहुंचाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आपने ये तो देख ही लिया है कि किस तरह से विराट ने पाखी का हाथ थामा और सही के सामने से ही चला गया, जिसे देखकर सही का दिल टूट गया है। और सही अपने आप से ही रोते रोते बात करती है कि जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके थे, जब सभी की वजह से मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रही थी, तो विराट की एंट्री क्यों की, और अगर एंट्री की भी तो फिर मुझसे दूर क्यों चला गया। तो ये सब सोचकर सई काफी ज्यादा परेशान होती है और बहुत रोती हुई है, और उसी बीच सई के हाथों में एक कांच चुभ जाता है, जिसमें सई के हाथ में चोट लग जाती है और सई के हाथों से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर सई और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। भाई सई की ये हालत देखकर फैंस का तो दिल बिल्कुल टूटने वाला है, क्योंकि सई से फैन की अटैचमेंट जो इतनी है। वहीं आप देखेंगे कि सई के बाबा, जी हाँ सई के बाबा की तो डेथ हो चुकी है, लेकिन सई के बाबा उसके सपने में आएंगे। वहीं सई के बाबा उसे बहुत समझाएंगे कि विराट तुम्हारा प्यार है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, वो जल्द ही तुम्हारे पास लौटेगा, और तुम एक बड़ा फैसला ले लो, या तो आगे बढ़ जाओ या हमेशा अतीत के साथ जीती रहो। तो यही सब सोचकर सई एक बड़ा फैसला भी लेने वाली है, जहां आप देखेंगे कि सई और उसके बाबा की बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाई जाएगी। अगर आज सई के बाबा जिंदा होते तो सही में बहुत हिम्मत होती, ये तो आपने देखा ही था कि किस तरह से सही के बाबा की पहले डेथ हो गई थी, जिस वजह से विराट और सही एक साथ हुए थे, और सही के बाबा जो है वो विराट का हमेशा सपोर्ट करते थे, क्योंकि सही के बाबा अच्छे से जानते हैं कि विराट कैसा भी हो लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। बस इसी के चलते सही के बाबा सही को समझाने के लिए आते हैं, और सही को काफी समझाते भी हैं, और सही फिर से स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। लेकिन वहीं जहां आप देखेंगे कि किस तरह से पाखी और विराट को साथ में देखकर सई का दिल टूटा था, वेल आपने ये तो देखा ही था कि किस तरह से जब विराट और पाखी को पता चला था कि सई जिंदा है, तब से ही विराट पाखी जो है सई के पीछे पड़ गए हैं। बात करें विराट की, तो भाई विराट तो सई पर शक भी कर रहा है कि उसका जगताप के साथ कुछ चल रहा है। वहीं पे पाखी को भी यही लग रहा है कि सई का जो है जगताप के साथ कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर है, और इसी के चलते अब पाखी जो है फिर से विराट को भड़काएगी। वेल आने वाले एपिसोड्स में दोस्तों और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि गुलाब वाला खेल दिखाया जाएगा। जी हाँ, हम इसे खेल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले जो सई है वो सभी को गुलाब देती है और बोलती है कि आपको गुलाब बहुत पसंद है, वहीं पे सभी को आप देखेंगे सभी जो है विनायक को गुलाब दे देती है और विनायक जाके विराट को दे देता है। लेकिन ये खेल यही खत्म नहीं होता, विराट को आप देखेंगे कि किस तरह वहाँ वो शांत खड़ा हो जाता है, क्योंकि विनायक जो है विराट से बहुत बड़ी बात बोलता है। विनायक विराट से कहता है कि आप भी मम्मी को ये फूल दो ना और उन्हें आई लव यू बोलो। ये सुनकर विराट और पाखी दोनों ही शॉक्ड है। अब तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि विराट पाखी सही तीनों का ही क्या फैसला होने वाला है आगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से लाइक कर दें।